और अब खबर जयपुर से, जहां सीएस डीबी गुप्ता ने बुलाई दो अहम बैठक। सबसे पहले सोलर पावर की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक बुलाई है और आपको बता दें कि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन का यह पूरा मसला है और इसके बाद निलंबन बहाली के प्रकरणों को लेकर भी बैठक की जाएगी। करीब एक दर्जन प्रकरणों पर यहाँ पर विचार विमर्श हो सकता है। कार्मिक विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता रहे कि सीएसडीबी गुप्ता ने आज दो अहम बैठक बुलाई है और करीब एक दर्जन प्रकरणों पर इस बैठक के दौरान विचार विमर्श यहां पर किया जा सकता है। कार्मिक विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता रहे सीएसडीबी गुप्ता ने दो अहम बैठक बुलाई है, जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि सोलर पावर की एम्पावर्ड कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएसडीबी गुप्ता ने यह बैठक बुलाई है और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन का यह पूरा मसला है जिसको लेकर यह बैठक बुलाई गई है सीएसडीबी गुप्ता के द्वारा और इसके बाद निलंबन बहाली के प्रकरणों को लेकर भी बैठक बुलाई गई है और करीब एक दर्जन प्रकरणों पर इस बैठक के दौरान विचार विमर्श हो सकता है। कार्मिक विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता रहे जयपुर से खबर, जहां सीएसडीबी गुप्ता ने आज दो अहम बैठक बुलाई है और सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहली बैठक सोलर पावर की एम्पावर कमेटी की है जो कि शुरू हो चुकी है और मुख्य सचिव डीबी गुप्ता इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन का यह पूरा मसला है जिसको लेकर ये अहम बैठक आज बुलाई गई है और इसके बाद दूसरी बैठक निलंबन बहाली के प्रकरणों को लेकर की जाएगी और करीब एक दर्जन प्रकरणों पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में विचार विमर्श हो सकता है, जिसमें कार्मिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जयपुर से आपको खबर बता रहे सीएसडीबी गुप्ता ने आज दो अहम बैठक बुलाई है।